अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी टीम सोन। आज मैं आपके साथ क्रेलॉन प्रोफेशनल मेकअप ट्रांसलूसेंट पाउडर का रिव्यू लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, इसे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसे यूज़ करके अपने मेकअप को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें। आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है, क्रेलॉन किस तरह का है, कंपनी कैसी है और ये मैंने कितने में परचेज़ किया है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे हम इसे यूज़ करके अपनी बेस को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इधर इन्होंने लिखा हुआ है क्रेलॉन जो है वो सिर्फ फेस पे यूज़ करने के लिए है, बॉडी पे यूज़ करने के लिए नहीं है, सिर्फ हम इसे अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक फार्मूला पाउडर है, इसे यूज़ करके हम अपने मेकअप को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई आम लूज़ पाउडर नहीं। आपने आम लूज़ पाउडर देखे होंगे जो 200 से 250 की रेंज में मिल जाते हैं, 200 से 250 की रेंज में मिल जाते हैं। लोगों ने उसके रिव्यू बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो लूज़ पाउडर होते हैं ना वो ठीक नहीं होते, वो यूज़ करने के साथ साथ ही उड़ जाते हैं। मैंने देखी है बहुत से लोगों ने क्रिस्टा हैन और भी बहुत सी कंपनियों के रिव्यू दिए हुए हैं, लेकिन क्रेलॉन एक प्रोफेशनल कंपनी है। ये आपने देखा ही होगा पार्लर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, एक साइड पर इसका कोड दिया गया है। बैक साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो कि ये आम इंग्लिश जुबान में नहीं है, ये यूएसए की इंग्लिश है जिसे पढ़ना मुश्किल है। और नीचे लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी, ये जर्मनी की प्रोडक्ट है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, ये देखें, खोलने पे आपको ऐसी डिब्बी मिलेगी। ये कोई इतना लूज़ पाउडर नहीं कि जो आप एक दफ़ा परचेज़ करें और महीने डेढ़ बाद ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। मैं इसे एक महीने से यूज़ कर रही हूँ, मैंने यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू दिया है। ये देखें पीछे लिखा हुआ है ट्रांसलूसेंट पाउडर, ट्रांसपेरेंट पाउडर, और साथ में इन्होंने इसका स्क्रैच कोड दिया हुआ है कि कोड को स्क्रैच करें और फिर 883% करें, अगर वेरीफाई हो जाए तो ये आपका असली है। ये तो बाज़ार में इस तरह की बहुत सी नकली चीज़ें भी आई हुई हैं, ये मैं आपके सामने स्क्रैच करूँगी इसका कोड। ये देखें ये नीचे इसका कोड ये आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने बोला है कि आप ये कोड को 833% करें, अगर आपको मैसेज वापस आ गया तो आप समझें ये एक नंबर है। नीचे www.kryolan.com अपनी वेबसाइट दी हुई है इन्होंने, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें ये ऊपर छोटे छोटे से सुराख हैं जिनके ऊपर से मैंने पेपर हटाया हुआ है जिससे पाउडर बाहर आता है यूज़ करने के लिए। ये देखें और ये आप देखेंगे इसका कलर, देखेंगे आप ये देखें इसका कलर येलोइश है जो हर तरह के एवरी फेस पे सूट कर जाता है। ये आप जिस तरह की मर्जी बेस बनाएं, ये आपकी बेस को क्रैक से बचाने के लिए होता है। मैं आपको यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। यूज़ करने के लिए आपने इसको स्पंज से यूज़ करना है और अपनी अंडर आईज और अंडर चीक्स बोन पे इसे अप्लाई करना है। जिनकी ऑयली स्किन है वो अपने फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फुल फेस पे अप्लाई करने का तरीका ये है, आपने बेस बनाने के बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लेना और इसके बाद आपने अपने ब्लेंडर ब्रश से फेस पे ब्लेंड कर लेना है। लेकिन इसे यूज़ हमेशा इस तरह से स्पंज से करते हैं, जो प्रोफेशनल चीज़ होती है उनके साथ स्पंज वगैरह नहीं आते, इसलिए ये मैंने स्पंज अलग से परचेज़ किया है जो मैं आपके सामने खोलूँगी। ये देखें अब मैं आपको इसके साथ यूज़ करके दिखाऊँगी।
ये देखें, इसे यूज़ करने के लिए आपने ऐसे अपने फेस पे, अपनी अंडर आईज पे लगा देना है। ऐसे आपने अपनी अंडर आईज पे लगाना है और अपने फेस पे। लेकिन जब आपने इसे लगाना है ना, इसके बाद आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, ये आपने बिल्कुल एंड पे यूज़ करना है। और हमेशा याद रखें, आपने इस तरह के स्पंज से यूज़ करना है, दूसरे स्पंज से नहीं करना। वो जो रबड़ वाला स्पंज है, ये स्पंज से यूज़ करना है। और इसे अपने हाथ पे, मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा दूँ, लेकिन आपने अपने फेस पे जहाँ पे लगाना है आपने उस पे ऐसे लगा देना है। और उसके बाद अपना मेकअप कंप्लीट करने के बाद अपना आईज़ मेकअप कंप्लीट करना है। जब आपका मेकअप कंप्लीट हो जाए, और आप ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह आपके फेस पे आई शेड गिरे, कुछ भी गिरे, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपके मेकअप पे क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, फुल डे मेकअप आपका बिल्कुल ठीक रहता है इसके साथ। ये बहुत अच्छा लूज पाउडर है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। प्रोफेशनल बेस पे इसे यूज़ किया जाता है। मैं अब आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। ये मैंने बाज़ार से 2000 से अबव में सेल की, परचेज़ किया है ये। आप देख रहे हैं कि ये बहुत महंगा है, आपकी रेंज में नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ एक दफ़ा महंगी चीज़ परचेज़ की हो तो इससे काफ़ी देर निकल जाती है। ये कौन सा 6 माह बाद एक्सपायर हो जाता है, सालों तक इसकी डेट एक्सपायर नहीं होती। बहुत अच्छा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।